मम्मा वहाँ से वो ले लो ड्रेस जो मुझे पसंद आई है फॉरएवर से। गाइस वहाँ पे मुझे ड्रेस पसंद आई है और मम्मी ले आगे चली गई लेट्स गो बोलकर। हाय गाइस मम्मी लेने नहीं देती, मम्मी कहती है हम कहीं और से लेंगे, कहीं और से कहीं और आता ही नहीं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, लव यू ऑल। एंड आज का नया व्लॉग शुरू हो रहा है नए दिन के साथ। एंड आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ डेट पे एंड हम बहुत मजे करने वाले हैं, तो एंड तक ब्लॉग देखना, लेट्स गो। सो गाइस हम जा रहे हैं, हम क्या मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ डेट पे एंड मम्मा भी साथ जा रही हैं एंड मम्मा कार ड्राइव कर रही हैं एंड इंस्टेंट प्लान बना है हमारा क्योंकि मम्मा अभी आए हैं जस्ट मंदिर से एंड मम्मा ने कहा कि चल कहीं चलते घूमने। मैंने कहा चलो मम्मा कहीं कुछ स्पेशल ही कर लेते हैं, अगर घूमने जाना ही है बिकॉज आज संडे भी है तो सब घूम ही रहे हैं तो हम भी घूम लेते हैं। तो हम आ गए एंड अभी तो हम अपनी सोसाइटी में ही हैं, सोच रहे हैं कहाँ जाए मम्मा। मार्केट, चलो चले मार्केट चलते हैं एंड वी आर थिंकिंग कि कुछ स्पेशल करें बिकॉज संडे का दिन होता है ऐसी चीज की भाई मजा आ जाता है क्योंकि मार्केट की रौनक भी बहुत बढ़िया होती है एंड कुछ अच्छा मतलब कुछ मजे करने में मजा आता है तो वाइब भी ऐसी होती है संडे की। तो आप एक बारी यहाँ से मेरी सोसाइटी का व्यू भी देख सकते हो, सनसेट व्यू है ये एंड इट्स सो अमेजिंग। मुझे गाइस सनराइज तो पसंद है ही बट सनराइज से ज्यादा सनसेट पसंद है एंड मम्मा इज मोर इन टू सनराइज, है ना दोनों। मम्मा को जो सन में घुमा लो वो सन के मतलब सन के इर्द गिर्द रखो तो मम्मा खुश रहती हैं। तो चलो बातें तो चलती रहेंगी बट अभी हम चलते हैं जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। स्पीड ब्रेकर्स यार मम्मी सोसाइटी में इतने स्पीड ब्रेकर्स लगाए बट लगाने भी चाहिए सेफ्टी फर्स्ट। तो अभी वी आर गोइंग समवेयर एंड लेट्स सी वेयर वी गो, लेट्स गो। सो गाइस ऑफिशियली वी आर एट इन दी मार्केट, तो अभी हम कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ अच्छा खाने का। अब मेरा गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा था काफी दिनों से, तो मैंने कहा मम्मी को चलो गोलगप्पे खा लेते हैं मजे भी आएंगे। गोलगप्पे खाने में भी अलग मजे। एंड बाय द वे मैं और मम्मा ट्विनिंग कर रहे हैं आज, वी आर इन ब्लू ब्लू। मम्मा कम हियर, वी आर इन ब्लू ब्लू एंड ये जान के नहीं किया गया, ये कोइंसिडेंटली हो गया है। शायद आज टुडे इज द डे डेट का बट मम्मी के साथ, तो हम आज ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो चलो अब गोलगप्पे खाएं। गाइस देखो यहाँ पे अब गोलगप्पा बन रहे हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर अ टर्न। गोलगप्पा टाइम गाइस, सूजी वाले गोलगप्पे आर द बेस्ट। मीठा पानी, गाइस वी आर डन ईटिंग गोलगप्पास और बहुत टेस्टी है गोलगप्पास। अब देखते क्या करते हैं। डन ईटिंग गोलगप्पास, भैया को भी इतनी जल्दी थी फटाफट गोलगप्पे खिला दिए, अंदर ही मेरे गले में खराश ही शुरू होगी। अभी कुछ खाते हैं और थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं, बट टेस्टी थे गोलगप्पास। गाइस हम गुरपाल बेकर्स आ गए हैं कुछ खाने। ये हमारी पेट प्लेस है, कुछ भी खाओ यहीं पे आओ। इनकी केक्स की वैरायटी भी देखो आप, इतने सारे केक्स की वैरायटीज है इनके पास, चॉकलेट से लेके फ्रूट केक से लेके। कुछ मीठा खाना है, पाइन एप्पल पेस्ट्री बताओ, पाइन एप्पल पेस्ट्री खाएं और पाइन एप्पल पेस्ट्री शेयर करें। रखो इधर नीचे चलते हैं ना, लेट्स गो ईट आवर पाइन एप्पल पेस्ट्री। लेट मी टेस्ट दिस, यू आर सिटिंग एंड हैविंग इट। दिस यू आर सिटिंग ट्राई द चेरी, तो मैं खाऊंगी मेरी फेवरेट है। कैसा है मम्मी का फेवरेट? टेस्टी है बहुत गाइस। गाइस ये रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी देख लो तो काफ़ी बढ़िया है, डेकोरेशन करी हुई है एंड राइट नाउ मम्मा इज सीइंग द मेन्यू कि हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। और
क्या खाना है आपने? अब मम्मा डिसाइड करेंगी क्या खाना है। मसाला डोसा खाने का मन कर रहा है, खा लूं? गाइस यहाँ पे हमारा डोसा बन रहा है। भैया पता नहीं कहाँ चले गए, गायब भी हो गए भैया। जो डोसा पता है कौन बना रहा है डोसा मुझे समझ नहीं आ रहा। भैया गायब भी हो गए, मैं देखने आई कि डोसा बन रहा है कि नहीं, भैया है ही नहीं। बस यही चीज़ पड़ी है यहाँ पे। आगे भैया, भैया कितना टाइम लगेगा डोसा? 5 मिनट। चलो ठीक है, आगे भैया फाइनली। ये देखो यहाँ पे गाइस प्लेट तो रेडी है, डोसा भी बन रहा है। वापिस चलते हैं रेस्टोरेंट में, मैं तो बस चेकिंग करने आई थी कि डोसा बन भी रहा है कि नहीं बन रहा था। तो मम्मा के पास चलते हैं। हाँ जी मम्मी, आप जो इतना बड़ा टिक्का लगा के घूम रहे हो, कहाँ से आए हो आप? मंदिर मंदिर से आ गए हो? कितने दिनों बाद मंदिर गए हो आप? 2 साल बाद। अच्छा। वन मंथ बाद मम्मा मंदिर गई है और सबको दिखाती फिर रही है कि मैं मंदिर गई तो टिक्का लगा के घूम रही है। दो दो टिक्के, एक भी नहीं, दो दो। वाह, पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं। क्या एक हनुमान जी का और एक किसका? एक सिंपल, एक नॉर्मल वाला टिक्का और एक हनुमान जी का। वाह, डबल प्रोटेक्शन। वाह सही है। माय डोसा इज हियर। ये तो मम्मी का पेट डायलॉग होता है, कोकोनट चटनी और दे दो भैया, मिल जाती है। अब शुरू करो, आ जाती है। डोसा शुरू करिए। माय डेट ऑफ टुडे इवनिंग चटनी होगा, मम्मी का फेवरेट डोसा। क्वाइट हॉट, कैसा है? टेस्टी। नॉर्मल टेस्टी है, मसालेदार नहीं है, बस नॉर्मल है। वैसे मसाला डोसा बट मसालेदार नहीं है ना बिल्कुल भी, नॉर्मल सा है। क्वाइट गुड, मम्मी को तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मतलब ज़्यादा मसाले मसाले ना हो तो मम्मी को ज़्यादा चीज़ें पसंद। गाइस एक्स्ट्रा चटनीज भी आ चुकी हैं। मुझे तो, मेरे को रेड वाली चटनी राइस पसंद है, मम्मी को रेड वाली बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे तो रेड वाली ज़्यादा पसंद है, मम्मी को सिर्फ अपनी कोकोनट चटनी पसंद है। तो इतना है नहीं, फिर फुल क्यों हो गया क्योंकि लंच भी थोड़ी देर पहले किया था एंड एकदम से आके यहाँ पे भी थोड़ा बहुत खा लिया तो पेट तो फुल हो गया। बट मज़ा बहुत आया एंड मम्मा के साथ तो हमेशा जब भी मैं आती हूँ ना बहुत मज़ा आता है। आपको कैसा लगा? गर्ल शी डजेंट लुक लाइक माई मॉमी, आई डोंट नो वाई शी डोंट लुक लाइक माई मदर, शी लुक्स लाइक माई बिगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, सभी यही कहते हैं। मुझे भी अब ऐसा लगना शुरू हो गया, पता नहीं कि मम्मा ड्रेसअप ही ऐसे होती हैं गर्ल वाइफ्स। खुश तो मम्मा बहुत हो गया आज, पूरी मैं मक्खन लगाने लग गई हूँ मम्मी को आज। चलो अब घर चलेगा, इस घर तो नहीं, अभी थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं कैसी है। अभी रौनक ना शुरू होगी बिकॉज जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी रात और बढ़ेगी ना तो थोड़ी इवनिंग, थोड़ी लेट इवनिंग बहुत रौनक हो जाती है। तो हम अच्छे टाइम आ गए, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला एंड सब कुछ टाइम भी हो भी गया एंड मम्मा के साथ मज़े भी बहुत आए। मम्मा वहाँ से वो ले लो ड्रेस जो मुझे पसंद आई है फॉर एवर से। गाइस वहाँ पे मुझे एक ड्रेस पसंद आई है और मम्मी ले
आगे चली गई लेट्स गो बोलकर। हाय गाइस, मम्मी लेने नहीं देती, मम्मी कहती है हम कहीं और से लेंगे, कहीं और से, कहीं और आता ही नहीं है। गाइस हमारी गाड़ी देखो सोसाइटी के बिल्कुल बाहर खड़ाई हुई है मम्मा ने। मम्मी फायदा क्या हुआ गाड़ी में आने का जब आपने बिल्कुल गाड़ी सोसाइटी के बाहर खड़ाई हुई है। हम इतनी आगे चल के पैदल गए हैं, पैदल ही आ जाते। मम्मी हैज डिफरेंट लॉजिक्स इन लाइफ। व्यू बहुत अच्छा हुआ हुआ बट सनसेट व्यू। हाय, खा पी के थोड़ा, चलो अच्छी बात है, ये बात अच्छी होगी कि डाइजेस्ट हो जाता है चलकर थोड़ा सा। एंड अब इसके बाद तो हमने वॉक करनी है। एंड गाइस आई लव इट, मेरी मम्मा ने राइट टाइम पे ड्राइविंग सीख ली थी। एंड मैं आपको बीचेस की स्टोरी सुनाती हूँ क्यों सीखी थी। बिकॉज हमें ट्यूशन क्लासेस जाना होता था बचपन में, एंड पापा वॉज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम क्योंकि पापा के अपने काम होते थे, पापा कैसे छोड़ते ना। तो मम्मा ने खुद ही ड्राइविंग सीख ली कि मैं ही सीख लेती हूँ ताकि ट्यूशन क्लासेस टाइमली पहुंच सके। एंड वो चीज मेरे इतने काम आ रही है, कभी मुझे पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी मम्मा, कभी नानू, मतलब कोई ना कोई मेरे लिए ड्राइव कर ही रहा होता है। एंड मुझे ड्राइविंग का इतना शौक नहीं है, मैंने तो सबको बोल रखा है मेरे को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है ड्राइविंग सीखने के लिए, क्योंकि मुझे, मैं फाइनली ड्राइवर ही रखूंगी, मैं फाइनली ड्राइवर ही रखने वाली हूँ, तो मुझे प्रेशराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं आप लोगों को। इस गाड़ी से मुझे ट्रेवल बैक करना है सामान घर तक। बस ये लिफाफा है मम्मा, क्यों और भी कुछ है? हाँ आराम से रखूंगी। ओके हाय गाइस, मम्मा मुझे सामान दे के अपनी कार पार्क करने चली गई हैं, पर मजा आया गाइस, मजा आता है। मतलब अपनी, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि फैमिली के साथ आई लव स्पेंडिंग टाइम, तो वो चीज़ मुझे शुरू से बहुत पसंद आती है, तो चाहे कोई भी हो फैमिली में, बट मज़ा आता है। एंड मम्मा के साथ मेरी ना वाइब भी अलग मैच करती है, हम दोनों ना, मतलब मम्मी को, तो मैं आपको पहले स्टोरी बता देती हूँ फिर घर जाती हूँ। तो मम्मी को थोड़ा सा रोस्ट करने में, रोस्ट क्या, थोड़ी सी टॉन्टिंग टूंटिंग करने में बड़ा मजा आता है। मम्मी के ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं तो बड़ा मजा आता है मम्मी को ऐसे छेड़ने में, और मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने में तो और भी मजा आता है। तो अभी फिलहाल मैं सामान लेके घर जाती हूँ।